देखो बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। देखो ये जैसे इसने कहा है फाइंड लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 81 की पावर 25। इसके हमें लास्ट थ्री डिजिट चाहिए। देखो ध्यान दो, होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो अगर हमने एक नंबर लिया ए बी सी डी इंटू 1000 प्लस एल एम एन के, मान लो ये नंबर हमने लिया है ना, जैसे मान लो हमने ये लिया 2345 इंटू 1000, ठीक है, और प्लस 382। अब देखो जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा और इसमें 3 है ना, ये कुछ ऐड करना है, मान लो ये ऐड करना 4382। तो जब आप सम करोगे तो देखो क्या होगा कि ऐसे करके सम आएगा, मतलब जो इस नंबर की लास्ट थ्री डिजिट हैं वही इस पूरे की भी लास्ट थ्री डिजिट हो जाएगी, क्योंकि देखो इसके लास्ट में 3 जीरो आएंगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कुल मिला के लास्ट 3 डिजिट वही आएंगी जो इसकी लास्ट 3 डिजिट होंगी, अपने आप ही ऐसा होगा। जैसे मान लो आपने ये नंबर लिया, देखो अब देखो इसके लास्ट में 3 जीरो आएंगे, तो कुल मिला के देखो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगी, ये वही हो जाएंगी जो इसकी लास्ट 3 डिजिट है, मतलब एम एन के। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी हमें लास्ट 3 डिजिट चाहिए, तो हम इसको 1000 के मल्टीपल में लिखेंगे है ना, और प्लस सम कांस्टेंट, मतलब 1000 के मल्टीपल में प्लस सम कांस्टेंट, वही देखो हमें करना है। अब देखो जैसे 81 को 81 की पावर 25 है, देखो इसे हम यहाँ पर ऐसे लिखें, देखो 81 को लिखें 1 प्लस 80 की पावर 25, देखो ऐसे। अब देखो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करें एन सी जीरो, ठीक है, प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू है ना, और प्लस देखो आगे बढ़ेगा ये एन सी थ्री। अब ये एक्स तो वन है, वन की पावर समथिंग वन ही रहेगा भाई, एन सी जीरो वन की पावर दिस माइनस दिस वन ही रहेगा, ए की पावर जीरो फिर देखो एन सी वन, और x की पावर n माइनस वन वन ही रहेगा है ना, a की पावर वन फिर देखो nc2, x की पावर n माइनस टू ये पावर टू, देखो ये हो गया 80 की पावर 3 और इसके बाद 25c4 80 की पावर 4 एंड सो ऑन, देखो ये ऐसे आएगा। देखो क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक के देखो नंबर हैं ये, और देखो इसके आगे जो है, देखो इसके आगे जितने भी नंबर होंगे इन सब में लास्ट में 3 जीरो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देखो 80 की पावर 3 है, 80 की पावर 4, तो इसमें से हम 1000 कॉमन ले सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ये वैल्यू 1, ये 1, सब कुछ 1, देखो ये हो गया 25 इंटू 80, देखो ये हो गया 25c2, 25c2 का मतलब 25 into 24/2, तो 25 into 24/2 into 80 plus, इन सब में से देखो हम 1000 को कॉमन ले लेंगे है ना, क्योंकि जो ये जो नंबर है इनमें 1000 को कॉमन ले लेंगे, तो 1000 इंटू इंटीजर, देखो ये जो नंबर है इतने यहाँ पर, इन सब में से मैंने 1000 को कॉमन ले लिया, क्योंकि इन में से मैं 1000 को कॉमन ले सकता हूँ। देखो ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गया, ये देखो ध्यान दो, अब जैसे ये जो नंबर आए हैं, देखो 1 प्लस ये हो जाएगा क्या बोलो 200 into 2, देखो 2000 है ना, देखो ये ऐसे आ गया है ना, बोलो ध्यान दो भाई है ना, और देखो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 40, और देखो ये आ गया 25 into 24 है ना, 3200 प्लस 1000 का मल्टीपल। अब देखो इसके जो लास्ट थ्री डिजिट्स होंगे वही हमारे पूरे नंबर के भी लास्ट थ्री डिजिट्स होंगे है ना, इसके जो लास्ट थ्री डिजिट्स होंगे वही हमारे पूरे नंबर के भी लास्ट थ्री डिजिट्स होंगे। अब हमें ये चेक करना है, अब देखो ध्यान दो, जैसे ये भी 1000 का मल्टीपल है, तो इसको इसको शायद मिला सकते हैं, इसको इसको चाहे तो मिला सकते हैं
क्योंकि देखो ये भी 1000 का मल्टीपल है, इसको इसके साथ में ले जा करके हम 1000 कॉमन ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और देखो जैसे ये यहाँ पर आएगा क्या, देखो इसको ध्यान दें तो देखो आखिर ये यहाँ पर क्या आएगा, देखो 25 × 24 है ना, इसको निकालो पहले, दो क्या आएगा ये, है ना 25 × 24 देखो ये 600 आएगा, है ना, बताओ भाई। और इनटू देखो ये 3200, तो देखो क्या हुआ 0000, तो मतलब देखो ये हुआ कि ये वैल्यू है 1 + 2000 और प्लस देखो ये वैल्यू है 192000 और प्लस 1000 इनटू इंटीजर। देखो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इस पूरे में से 1000 को कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन 1000 इनटू इंटीजर बन जाएगा। देखो हम इस पूरे में से 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो ये अगेन देखो इन तीनों में से 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो 1000 समथिंग इंटीजर बन गया और साथ में क्या आ गया 1। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट तीन डिजिट है वो देखो इसकी, अब अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखो क्या हुआ, देखो अंत में इसके कुछ ऐसे आएगा ABCD000 और देखो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 100DCBA, मतलब लास्ट तीन डिजिट आ जाएंगे 001, क्योंकि देखो इसके पास अकेला 1 है, तो जब ये 1 इसमें जुड़ेगा क्योंकि देखो ये 1000 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होगा लेकिन लास्ट में कन्फर्म है 1000 का मल्टीपल होने की वजह से लास्ट में 3 0 होने ही होने, उसमें जब हम 1 जोड़ेंगे देखो 001, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 001, लास्ट के 3 डिजिट क्या बचेंगे बोलो 001, क्योंकि देखो सम कांस्टेंट प्लस 1000 का मल्टीपल हमको लाना है, यही हमें यहाँ पर रखना है सम कांस्टेंट प्लस 1000 का मल्टीपल। अगर लास्ट 2 डिजिट चाहिए होती तो सम कांस्टेंट प्लस 100 का मल्टीपल लाना होता, अगर लास्ट 4 डिजिट चाहिए होती तो सम कांस्टेंट प्लस 10000 का मल्टीपल लाना होता, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करने हैं, ध्यान दो बच्चों।